दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Redmi 6 मोबाइल में आप यहाँ पे डेटा लिमिट कैसे सेट कर सकते हैं मोबाइल में। तो मोबाइल में डेटा लिमिट सेट करने के लिए आपको चले जाना है यहाँ पे सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको इस स्टेप से स्क्रॉल करना है तो आपको सेट डेटा प्लान का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, एक तो आपके सिम वन के लिए और एक आपके सिम टू के लिए। तो दोनों सिम के लिए अलग अलग डेटा प्लान का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आप चाहें तो सिम वन के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो सिम टू के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिम वन पर क्लिक करके बता देती हूँ, तो सेम मेथड है, आप सिम टू पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा यूसेज अभी मैंने ऑन कर रखा है, जब आप ऑन करेंगे तभी ये आपका वर्क करेगा। तो पहले डेटा यूसेज ऑन कर लेंगे और इसके बाद डेटा प्लान पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके सामने इस टाइप से ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे मंथली पैकेज मिलता है, आप देख सकते हैं। अगर आप डेली का करना चाहते हैं तो डेली का यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये मंथली वालों के लिए है जो मंथली पैक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मंथली डेटा लिमिट लगाने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और जितना भी आप लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 100 GB कर देती हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करके आप MB और GB दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं जिस मर्जी उस पर, और ओके कर देंगे। जैसे महीने का मैंने 100 GB लगा दिया है। और इसके बाद यहाँ पे आपका इस पर ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वार्निंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे शो वार्निंग यानी कि खाली वार्निंग शो करनी चाहिए, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि वार्निंग एंड टर्न ऑफ मोबाइल डेटा। जैसे कि आपको वार्निंग भी मिल जाता है और तुरंत आपका जो मोबाइल डेटा है वो टर्न ऑफ हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन मैं रहने दूंगी, शो वार्निंग कर दूंगी, वरना फिर जब बंद हो जाएगा तो आप यूजेस आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एडिशनल सेटिंग की बारी आती है, तो ये आपको सेट कर लेना है डेटा यूसेज वार्निंग लेवल। तो यहाँ पे वार्निंग कितने लेवल पे आपको मिलनी चाहिए, 60% पे, 80% पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 88% यानी कि इतने GB पे आपको वार्निंग मिलेगा या फिर कितने GB पे। तो ये आप यहाँ पे इस टैप से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ पे बाकी का नेट बचा सकते हैं लेवल सेट करके, ठीक है। 88% पे यानी कि 88 GB आपका यूज़ होगा तब आपको वार्निंग मिलेगा, ओके कर दूंगी। और इसके बाद यहाँ पे आपको यूसेज रीसेट डेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेट इस वजह से होती है कि जिस दिन आप अपना नेट पैक डलवाते हैं, रिचार्ज करवाते हैं, वो दिन आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे 1 तारीख, 2 तारीख या 3 तारीख। तो मैं यहाँ से 1 से 1 का हिसाब कर दूंगी, अदरवाइज़ यहाँ पे अगर 31 या 30 का करेंगे ना तो यहाँ पे किसी महीने में 31 होता ही नहीं है या फिर 30 होता ही नहीं है, तो 1 से 1 का सही है। और इसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे तो 1 से 1 का हिसाब रहेगा कि ऑटोमेटिकली ये दोबारा से हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 से 1 ये आपका ये सेम प्रोसेस चलता रहेगा। और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जब आप ऑन रखेंगे तो यहाँ पे आपका ये जो डेट है अपने आप यहाँ पे रिसाइकल होता रहेगा, मतलब साइकिलिंग इसकी चलती रहेगी, आपको बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला ऑप्शन ऑन रखेंगे। तो इस टाइप से आप यहाँ पे फुल सेटिंग कर सकते हैं डेटा लिमिट की। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।